किसी खूबसूरत अभिनेत्री का नाम शुमार होता है। तो नाम विटेरियन एक्ट्रेसेस से लेकर टॉप क्वींस से लेकर टॉप डिमांडिंग एक्ट्रेसेस से लेकर ए लिस्टेड एक्ट्रेस के साथ साथ जुड़ जाता है उन खूबसूरती का नाम जिन्होंने आज भी बॉलीवुड की महफिल में चार चांद लगाने में कोई कमी नहीं रखी जब भी किसी बड़े पार्टी फंक्शन की बात हुई है। जी हाँ, देख रहे हैं आप नेक्स्ट नाइन न्यूज़। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम करेंगे बात आज बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा के बारे में, उस रेखा के बारे में जिनकी मनमोहन मुस्कान, जिन्होंने अपनी खूबसूरत चाल और अपनी फिटनेस से इंस्पिरेशन बनाकर खुद को रखा है आज की हीरोइनों के लिए। लेकिन आज की हीरोइनों से अलग, आज की जिंदगी से अलग, आज के पर्दे की कहानियों से अलग, आज के फिल्मी किस्से से अलग, रेखा की जिंदगी है काफ़ी पुरानी किस्सों से भरी, उन किस्सों से जिसे वक्त गुजर चुका है, ज़माना गुजर चुका है, लेकिन फिर भी उनसे नाम रेखा का जुड़ा है। कभी अमिताभ और रेखा के बीच थी मोहब्बत ही मोहब्बत, उस रेखा अमिताभ के रिश्ते में आज है सिर्फ कड़वाहट ही कड़वाहट। क्या है उसका कारण, कैसे इनके बीच की दूरियां इन्हें हमेशा ही एक दूसरे के और करीब ले आती हैं सुर्खियों में, आखिर कैसे अमिताभ और जया के बीच हुई लड़ाई और रेखा कैसे बनी कारण, कैसी है रेखा की ज़िंदगी, क्या कहना है उनका इस तरह की अफवाहों को लेकर, क्या कहना है उनका अमिताभ से जुड़ने पर उनके नाम को लेकर, आइए हम जानते हैं हमारे इस शो में रेखा के बारे में कुछ ये दिलचस्प बातें जो कि रेखा की ज़िंदगी उनके दर्द से जुड़े हैं, उनके अधूरेपन से जुड़े हुए हैं, उनकी अधूरी मोहब्बत से जुड़े हुए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। ये तो आप भी जानते हैं, जब भी बात रेखा की होती है तो कुछ ऐसी बातें निकल कर आती हैं जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको रेखा की ज़िंदगी से जुड़े उस राज से रूबरू कराएंगे, जिसे सुनने के बाद आपकी धड़कनें रोने के लिए मजबूर हो जाएगी। रेखा जो कि सालों से पर्दे से दूर है, रेखा जिन्होंने पर्दे से दूरियां ही नहीं बनाई बल्कि अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों की खुशियों के लिए, दूसरों की खुशियों में शामिल होने के लिए ही छोड़ दिया है। अपनी ज़िंदगी को रेखा किस तरह बदल कर रख गई और अपने अकेलेपन को अपनी किस्मत मानकर रेखा ने कैसे, किस तरह से सबके बीच खूब 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 खूबसूरती से तारीफें लूटी, ये तो आप भी जानते हैं। रेखा की खूबसूरती, उनके ग्लैमरस लगने का अंदाज तो आपको उनके चेहरे, उनकी नज़ाकत से साफ दिखता होगा। जब भी वो किसी पार्टी फंक्शन में एंट्री करती हैं तो उनका अंदाज सबसे निराला होता है। लेकिन क्या आपको मालूम है उस रेखा की ज़िंदगी में कुछ ऐसे भी पल रहे हैं जिसे खुद रेखा कभी नहीं भूल सकती। रेखा जिनका नाम बॉलीवुड के ना जाने कितने सितारों के साथ जुड़ा, लेकिन बात जब रेखा के साथ लंबे समय तक अफेयर की चर्चाओं में रहे अमिताभ बच्चन की करे, बॉलीवुड के मेगा स्टार की करे, तो मेगा स्टार के साथ रेखा का रिश्ता बेहद अनोखा, बेहद गहरा, बेहद खूबसूरत था। लेकिन उस खूबसूरत रिश्ते को बदसूरत मोड़ पर लाने वाले कोई और नहीं, अमिताभ बच्चन ही थे। जया बच्चन के साथ शादी रचाकर अमिताभ बच्चन ने रेखा के लिए अपनी मोहब्बत को खत्म तो कर दिया, लेकिन रेखा अपने दिल में अमिताभ के लिए अपनी मोहब्बत को कभी भी छुपा नहीं पाई। यही वजह है कि 80 के दशक पर दिए गए तमाम इंटरव्यूज़ में रेखा अमिताभ को लेकर हुए बारंबार सवाल पर भड़क कर जवाब देती रही। दर्द, वो अकेलेपन का दर्द सहती रेखा, तरसती रेखा, प्यार को पाने के लिए तरसती रहती रेखा को बुढ़ापे में ना तो किसी संतान का सुख मिला, ना तो किसी की पत्नी होने का सुख मिला। पत्नी होने का सुख रेखा को मिला तो था, लेकिन वो सुख ज़्यादा समय तक नहीं भोग पाई थी रेखा। ऐसे में आज हम आपको बताना चाहेंगे कैसे रेखा अमिताभ बच्चन के दिल में जगह बनाने के बावजूद जया बच्चन की जगह नहीं दे पाई।
अमिताभ रेखा एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे फिल्म दो अनजाने के सेट पर, ये तो सभी जानते हैं। और इसी के बाद जया और रेखा के बीच जो रिफ्ट पैदा हुई, यानी कि जो मतभेद हुई, उसका कोई जोड़ तोड़ नहीं था। उस मतभेद को ख़त्म होने में ज़माना गुजर गया, लेकिन वो मतभेद, वो कड़वाहटें कभी नहीं मिटी। कारण ये रहा कि अमिताभ के लिए रेखा का प्यार हमेशा बरकरार रहा, उनके दिल में, उनके जुबा पर, उनकी आंखों में, उनके नज़ाकत में। जी हाँ, बेहद खूबसूरत रिश्ता शेयर करती थी जया रेखा के समय, और दीदी कहा करती थी जया को रेखा। लेकिन अफसोस, उस दीदी को उनके हस्बैंड के साथ जया की तरह रेखा की ज़िंदगी काफ़ी अलग थी। अमिताभ रेखा के अफेयर से कोई अनजान नहीं, जिन्होंने बॉलीवुड में तमाम अखबारों के पन्नों में ज़माना में खूब सुर्खियां बटोरी। लेकिन रेखा, अमिताभ और जया के लव ट्रायंगल की बात करें तो इसे लेकर एक बार जाने अनजाने में रेखा ने जो बात कही, वो हमेशा लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। जी हाँ, रेखा का कहना था कि अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी जया को इनसिक्योर कराते थे। साल 1976 में रिलीज हुई फिल्म दो अनजाने के बाद एक दूसरे के करीब आने वाले अमिताभ और रेखा की मोहब्बत तो ख़त्म वक्त के साथ, दूरियों के साथ हुई, लेकिन मीडिया के बीच अटेंशन दोनों ने खूब बटोरी। बच्चन परिवार में जया बच्चन ने कई बार अमिताभ को आगाह किया था रेखा से दूर होने के लिए, और इसका असर अमिताभ रेखा के रिश्ते पर पड़ा। तो वहीं बच्चन परिवार के बड़े सदस्यों में खुद अमिताभ बच्चन ने अपना टेम्पर लूज कर लिया था। जी हाँ, रेखा को लेकर, जी हाँ, रेखा के साथ मिसबिहेविंग को लेकर, गंगा की सौगंध को लेकर फिल्म को हम बात कर रहे हैं। सिलसिला डायरेक्टर यश चोपड़ा ने इसके बारे में खूब बातें की थी, जिन्होंने कन्फर्मेशन इनके रिश्ते को लेकर दी थी। फिल्म सिलसिला के ज़रिए ही इनकी मोहब्बत की दी एंडिंग हमेशा लोगों की याद बनकर रहेगी लोगों के बीच। सिलसिला फिल्म के साथ ना तो इनकी मोहब्बतों का सिलसिला बरकरार रहा, बल्कि इसी फिल्म के साथ इनकी मोहब्बत कड़वाहट में बदली, और वो कड़वाहट आज तक बरकरार है। तो जाना आपने अपनी फेवरेट रेखा के बारे में, ये कुछ खास बातें जिसे रेखा ने शेयर की थी, ये बातें जिसे रेखा ने कभी बताया तो सही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नाराज़गी, गिला शिकवा जाहिर करने के लिए। वो गिले शिकवे जो अब भी बरकरार है अमिताभ रेखा के बीच, वो शिकवा, वो मोहब्बत को नफरत में बदल देना जया बच्चन की वजह से, जया और रेखा की प्यार में वो दरार, बहनों वाले रिश्ते में वो दरार, जिसका कारण अमिताभ बच्चन बने, जिसका कारण जया और अमिताभ के बीच का रिश्ता बना, जिसका कारण ये समाज बनी, जिसका कारण ये किस्मत में लिखा वो लेख बना, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से अलग हो गए। मंजिलें कहीं और थी, रास्ते कहीं और थे, लेकिन अनेकों रास्तों में चलने के बावजूद रेखा को सिर्फ और सिर्फ तन्हाई ही मिली, सिर्फ और सिर्फ अधूरापन ही मिला रेखा को। और इसलिए रेखा आज भले मुस्कुराती है, लेकिन आंखों में दर्द लेकर आती है रेखा, जो कई सवाल को खड़े करते हैं, जो कई लोगों की आंखों में आंसू लेकर आते हैं। तो इसी तरह की ज़िंदगी है रेखा की, ऐसी तमाम ज़िंदगियां हैं बॉलीवुड में जो कि सिर्फ और सिर्फ अधूरी और सिर्फ अनकही कहानियों से भरी पड़ी है, सवालों से भरी पड़ी है। खैर, आज इतना ही लेकर आएंगे आपके बीच, इसी तरह कोई नई कहानी के बीच, कोई ऐसी ही कहानी से आपको रूबरू कराने के लिए। फिल्मी गलियारों से निकल कर सीखियों में बने रहने वाले, टॉक ऑफ द टाउन बने रहने वाले गॉसिप से आपको अपडेट कराने के लिए, तब तक के लिए देखते रहें इस चैनल ने, यानी कि नेक्स्ट 9 न्यूज़ को, और हर अपडेट के साथ लगातार अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर।